हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, आप हम सभी लोग जो है लॉकडाउन में हैं और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, तो पढ़ाई जो है बिल्कुल ही ठप पड़ी हुई है। तो मैंने सोचा एग्ज़ाम तो भाई होना ही है, ऐसा तो नहीं एग्ज़ाम की नहीं होगा, आज नहीं तो कल होगा ही होगा। और अगर हम अपनी प्रिपरेशन बंद कर दें तो जो है दिक्कत हो सकती है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। तो मैंने सोचा क्यों ना जो है YouTube पे वीडियो कंटिन्यू डाला जाए, ताकि आप लोगों का आने वाला जो CHSL का एग्ज़ाम है, जिन लोगों का रह गया है, NTPC ग्रुप डी और भी एग्ज़ाम्स हैं, उनमें जो है फ़ायदा मिल सके। तो आज मैंने SI का एक छोटा सा टॉपिक उठाया है, जिसे मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ। बस आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, ठीक है। तो पहले SI भी बनाऊंगा, फिर CI, ये दोनों ही आगे आने वाले और भी चैप्टर्स हैं जिन्हें हम फॉर्मूला फ्री करेंगे, फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलो पहले इसकी कुछ बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चंस पर चलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके CGL वगैरह के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो चलो होता क्या है SI, सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ब्याज शब्द में ही आपको पता है कि ब्याज होता क्या है। कोई पैसा, कुछ पैसा हम किसी से ले या दे, जो पैसा हम लेते या देते हैं उधार, उसे ही प्रिंसिपल कहते हैं, आप लोग मानते हैं। तो अगर मैं सपोज एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, प्रिंसिपल यानी मूलधन। मान लो कि मैंने किसी से 5,000 रुपये उधार लिया है उधार 5,000 रुपये, 5,000 रुपये लिया है, तो उसने भाई 5,000 रुपये जो मुझे दिया है, अब ये तो नहीं है कि मैं उसको कुछ साल, डेढ़ साल, दो साल बाद जो है उसको 5,000 रुपये पूरे लौटाऊंगा और वो खुश हो जाएगा, नहीं, वो तो भैया मुझसे ब्याज लेगा ही लेगा, ठीक है। तो ब्याज का कुछ रेट होता है, उसे ही रेट परसेंट कहते हैं। तो उसने जो मेरे को कहा कि भाई, सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसने 10% पर एनम कहा कि वो हर सालाना जो है 10% मुझसे लेगा, ठीक है। तो 10% मुझसे लेगा, अब डिपेंड करता है मुझ पे, उसने तो मुझे बता दिया कि भाई 10% हर साल लूँगा इस 5,000 का, अब मुझ पे डिपेंड है मैं उसका पैसा कितने दिन यूज़ करता हूँ। अब मैं अगर एक साल रखूँगा, दो साल रखूँ, तीन साल रखूँ, चार साल रखूँ, मेरे पे डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा दिन रखूँगा उतने ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा मेरे को। तो मैं सपोज एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैंने उसको, उसके पैसे को जो है 3 ईयर्स यूज किया, यानी 3 साल तक मैंने उसके पैसे का इस्तेमाल किया। तो बात आती है 3 साल बाद जब मैं उसे पैसे लौटाने जाऊंगा, तो मैं उसे कितना पैसा टोटल दूंगा, उसमें ब्याज कितना मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं, ये मुझे बताना है। तो बस सीधा सा फंडा है, आप लोगों को ये फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, PR × T/100, ठीक है, ये SI का फार्मूला होता है, यूज़ कर सकते हो। फार्मूला बना किन चीज़ों से, उन्हीं सब चीज़ों को मिलाकर फार्मूला बनाया गया है, डायरेक्टली आपको रटने की जगह चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो देखो 10% मुझे साल का देना है उसको, 10% साल का देना है, किसका 10%, 5,000 का। अब 10% मुझे साल का देना है, अगर मैं इसका 10% निकाल लूं तो कितना होगा भाई, 5,000 का 10% होगा 500 होगा। अब 500 रुपये मुझे एक साल का देना है उसको, एक साल का मुझे उसको 500 रुपये देना है, लेकिन मैं तो उसका पैसा 3 साल तक यूज़ कर रहा हूँ, तो कितना दूंगा, 3×5 = 15, यानी 1,500 रुपये मैं उसको ब्याज दूंगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो 1,500 रुपये मैं उसको ब्याज दूंगा। ध्यान, याद इस बात का ध्यान रखना कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल सेम रहने वाला है, चेंज नहीं होता। अगर पहले साल जो आपका ब्याज बनता है वही हर साल आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 500 रुपये एक साल का बना है, 10%, 5,000 का 10%, 500, पहले साल में उसको 500 दूंगा तो हर साल 500 500 500, चाहे कितने साल भी मैं पैसे का इस्तेमाल करूं, मैं उसको 500 500 रुपये ही, मतलब ब्याज हर साल के हिसाब से जोड़ के दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि सिंपल इंटरेस्ट चेंज नहीं होता, जब CI की बात करेंगे तब वहां देखेंगे, यहां पर सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट चेंज नहीं होता। तो 500 रुपये एक साल का, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 1,500 रुपये। एक तो ये तरीका है, या डायरेक्टली अगर आप देखो कि 10% मुझे एक साल का देना है तो 3 साल का 30% दूंगा, तो 5,000 का 30% कितना हो जाएगा, 1,500, तो भी आपको 1,500 रुपये सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। अब जब मैं उसको 3 साल बाद पैसे लौटाने गया तो 1,500 रुपये तो मैं उसको ब्याज दूंगा, प्लस में उसका 5,000 रुपये भी तो दूंगा। तो बस यहीं से जो
एक अमाउंट शब्द है, अमाउंट वो यहीं से बना है कि आपको क्या करना है। यहाँ पर उसका प्रिंसिपल तो जो मैंने लिया था वो तो दूंगा ही दूंगा, साथ में सिंपल इंटरेस्ट भी दूंगा। तो प्रिंसिपल कितना लिया था, 5,000 रुपये प्लस में सिंपल प्रिंसिपल 5,000, सिंपल इंटरेस्ट कितना बना उसका 1,500 रुपये, तो कितना हो गया 6,500 रुपये। तो बस ये 6,500 रुपये ही अमाउंट है। एट द एंड जब मैं उसको 5,000 रुपये जो लिया था मैंने, वो अगर 3 साल बाद उसको लौटाने जाता हूँ तो मुझे ना 5,000 ना देकर 6,500 रुपये देना पड़ेगा, जिसमें 1,500 रुपये ब्याज है। ठीक है, बस यही बेसिक सी बात है। बाकी क्वेश्चंस में कुछ छोटी मोटी बातें आती रहेंगी तो मैं बताता रहूँगा। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्टली। हम तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की, 4 वर्षों के बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपये हो जाती है, तदनुसार वह राशि कितनी है। तो देखो यह SSC CISF में कॉन्स्टेबल में आया हुआ है, GD में। तो देखो इसके जो ऑप्शन है 650, 350, 550, 500, ठीक है। अब डायरेक्टली देखने वाला क्वेश्चन है ये, क्या कि भाई देखो 10% मुझे साल का देना है और 4 साल तक मुझे, मैंने उसके पैसे को इस्तेमाल किया, तो मैंने बताया था 10% साल का, तो 4 साल कितना हो जाएगा, 40%, 40% तो मेरा ब्याज हो गया। ठीक है, 40% तो मेरा ब्याज हो गया। अब मैं यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा, डायरेक्टली एक चीज़ समझने वाली बात है। देखो जो आपका अमाउंट होता है परसेंटेज में, अगर मैं अमाउंट की बात करूं, परसेंटेज में अमाउंट होता क्या है, देखो वैसे अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब प्रिंसिपल ध्यान रखना इनिशियल वैल्यू होती है जो पैसा हम शुरुआत में लेते हैं, इनिशियल चीज़ जो होती है वो हमेशा 100% होती है। ये परसेंटेज में आपको समझाऊंगा कि जो इनिशियल चीज़ होती है वो 100% होती है, यानी मैंने उससे जो पैसा शुरुआत में लिया है वो 5,000, जो पिछले क्वेश्चन में जैसे 5,000 रुपये था, तो वो मेरा इनिशियल वैल्यू, वो 5,000 रुपये मेरा क्या था, प्रिंसिपल था। अगर मैं उसको वैसे नज़र परसेंटेज की नज़र में देखता तो वो 100% है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ध्यान रखना हमेशा 100% ही लेना है आपको, क्योंकि इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर SI मेरा देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन के मुताबिक कितना है, 10% 1 साल का, 4 साल तक की बात की है, तो 10 × 40 यानी 40% तो मेरा कितना हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो 100 और 40, 140% मेरा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। अमाउंट मेरा कितना हो रहा है, 140% हो रहा है। बस आपका परसेंटेज में अमाउंट पता लग गया और एक्चुअल में आपको अमाउंट दे रखा है 770 रुपये, बस कंपेरिजन कर दो आंसर आ गया, यानी 140% की वैल्यू ही आपको क्या दे रखा है, 770 रुपये। आपको 100% की वैल्यू बतानी है भाई, 100% ही तो पूछा है, प्रिंसिपल ही तो पूछा है कि प्रिंसिपल क्या है, वह राशि क्या है। तो बस 140% की वैल्यू 770, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 140 इसके बटे में आ जाएगा, गुना में 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 से गुना, तो 0 से 0 गया, 7 से काटा हूँ तो 11 बार में, 2 बार में 50, यानी 550। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 550। ऑप्शन में देख लो कहाँ है, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आया होगा, चीज़ों को इसी तरीके से देखना है आपको, परसेंटेज में ही देखना है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,080 हो जाएगा। या देखो आपको प्रिंसिपल बता दिया कि 3,000 रुपये है, कि 3,000 रुपये प्रिंसिपल है, का साधारण ब्याज भी आपको बता दिया, इसका साधारण ब्याज 1,080 है, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट 1,080 है, और रेट आपको बता दिया 12% है, रेट आपको बता दिया 12% है। आपसे क्या पूछा गया, समय बताओ, समय क्या होगा, तो फिर से वही वाली बात है, आपको परसेंटेज में देखना है, आपको देखो फार्मूला यूज नहीं करना। यहाँ पर क्या करेंगे, एक बात बताता हूँ आपको ध्यान रखना, कि जो ब्याज होता है ना, जो ब्याज है वो आपको परसेंटेज में देखना है, परसेंटेज में ब्याज कितना है, क्योंकि देखो परसेंटेज में ब्याज, मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि परसेंटेज में ब्याज होता क्या है। जैसे मैं कहता हूँ एग्जाम्पल लेता हूँ कि भाई यहाँ पर लेता हूँ कि 10%
पर एनम लेना है मेरे को 10% पर एनम लेना है, और मैं कहता हूँ कि मैंने भाई 5 साल तक लिया ब्याज, तो परसेंटेज में कितना ब्याज लिया, 5 50%, तो जो भी राशि था उसका 50% निकालूंगा मेरा ब्याज आ जाएगा। तो बस परसेंटेज में आपको ध्यान रखना है कि अगर परसेंटेज में ब्याज पता लग जाए ना कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से टाइम को गुणा कर देते हैं तो मेरा ब्याज परसेंटेज में पता लग जाता है, ठीक है। तो बस यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर ब्याज आपको देखो ब्याज दे रखा है, ये SI दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, तो यही देखना है कि सिंपल इंटरेस्ट तो भाई आपको पता है एक्चुअल में तो 1080 है, लेकिन परसेंटेज में कितना है, परसेंटेज कैसे पता लगेगा, 1080 3000 का कितना प्रतिशत है, तो 1080 3000 का कितना प्रतिशत है, तो काट लो 3 से काट लो, 3 से 18 यानी 36% है, 36% है। तो डायरेक्टली कुछ नहीं मैंने बताया, देखो आपका ब्याज पता लग जाए ना परसेंटेज में कितना है, तो रेट परसेंट इनटू टाइम होता है, तो यहाँ पर देखो रेट परसेंट 12 है, तो 12 को कितने से गुणा करोगे, 36 हो जाएगा 3 से, है ना, 3 से ना, तो टाइम कितना हो जाएगा 3 ईयर्स, टाइम कितना हो जाएगा 3 ईयर्स का आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ आया होगा। तो इसी तरीके से परसेंटेज में, ये आपको बता रहा हूँ नहीं तो वर्बली देखा क्वेश्चन दिमाग में कैलकुलेट हो जाता है इतना तो, ठीक है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोज ने 29,400 रुपये 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किए, 6 वर्ष बाद उसे 4200 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। फिर से सेम यही काम करना इस क्वेश्चन में जो किया है, यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, देखो 29,400 रुपये 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किए, आपको प्रिंसिपल बता दिया 29,400 रुपये है, 29,400 रुपये है, और आपको टाइम भी बता दिया कि भाई टाइम जो है ना 6 वर्ष है, 6 ईयर्स है, ठीक है, टाइम जो है आपका 6 ईयर है, और 6 वर्ष के बाद ब्याज कितना है, SI भी आपको बता दिया कि SI जो है भाई 4200 रुपये है, 4200 रुपये है, तो आपको वार्षिक ब्याज की दर बतानी है। देखो पिछले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था, रेट परसेंट दिया गया था, इसमें आपको टाइम दिया गया है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, काम तो वही करना है ना कि जो आपका परसेंटेज में इंटरेस्ट था, जो SI था, क्या किया था, रेट परसेंट इंटू में टाइम, बस यहाँ पर वही काम करना है कि आपको ये देख लेना है कि ब्याज जो है परसेंटेज में कितना है, ठीक है। तो 4200 रुपये 29,400 का कितना प्रतिशत है देख लेते हैं, 4200 रुपये 29,400 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो देखें तो 0 से 0 काट दिया, अगर मैं काटता हूँ 7 से काट लेते हैं, 7 6 42, 7 4 28, 7 19 14, 6 7 42, 1/7, 1/7 आ गया आपका, यानी और कट रहा है, नहीं कट रहा, 100/7% 100/7% है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ गलती तो नहीं कर, कि मैंने देखा भाई 4200 6 वर्ष के बाद, अच्छा ठीक है, 4200 29,400 का 6 वर्ष का जो ब्याज है वो 4200 रुपये है, ठीक है। तो मैंने देखा 4200 रुपये 29,400 का कितना प्रतिशत है, 2 0 से 2 0 काटा, 6 7 6 42, 7 4 28, 7 2 14, 6 7 42, ठीक है। तो मेरा जो ब्याज बन रहा है वो 100/7% बन रहा है, ठीक है। तो अब आपको बताया था परसेंटेज में जो ब्याज होता है वो क्या होता है, टाइम इनटू में रेट परसेंट, टाइम इनटू में रेट परसेंट ही तो होता है। तो टाइम कितना दे रखा है आपका 6, रेट परसेंट तो हमें पता ही नहीं है, रेट परसेंट ही तो बताना है हमें, तो रेट परसेंट कितना होगा, बस यहाँ से निकाल सकते हो आप, तो 7 6 ये 6 इसके साथ नीचे आएगा, 6 7 42, तो 100/42%। अब इसको काट लो, तो काटोगे तो आपका देगा 21/50, और उसको फ्रैक्शन में लिख लो क्योंकि ऑप्शन है फ्रैक्शन में दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 21 2 42 और 8, ये इसका आंसर हो जाएगा, 2 सही 8/21%, देखो ऑप्शन में है, हाँ फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ आएगा, देखो परसेंटेज वाली बात जो बता रहा हूँ बस इसको थोड़ा सा समझ लो, क्वेश्चंस तो वर्बली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए, 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए जमा किए, उसे कुल साधारण ब्याज 1020 रुपये प्राप्त हुआ, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है।
ऑप्शन देखो 10%, 5%, 15%, 20%, 10%, 5%, 15% और 20%, ये ऑप्शन है। बहुत सिंपल सिंपल परसेंटेज है ये, तो वर्बली आप परसेंटेज निकाल सकते हो। तो मैं तो कहूँगा ऑप्शन से ही जाना चाहिए जब परसेंटेज इतना ईजी दे रखा हो। जैसे कह रहे कभी 400 रुपये लिया है 2 वर्ष के लिए, 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, 400 रुपये 2 ईयर्स के लिए, ठीक है, और 550 है भाई 4 वर्ष के लिए, 4 ईयर्स के लिए, और 1200 रुपये 6 ईयर्स के लिए, ठीक है। और आपको टोटल जो आपका ब्याज बताया गया है, टोटल जो ऐसा ही है वो 1020 रुपये है, 1020 रुपये। मैं तो कहूँगा ऑप्शन से जाओ, सेटिस्फाई करो फटाफट, क्योंकि इतना समय नहीं लगने वाला। अगर वैसे करोगे तो हो सकता है थोड़ा समय लगे, हालांकि वैसे भी आसान है, बट ऑप्शन से जाएं तो ज़्यादा आसान मेरे को लग रहा हो जाएगा। तो देख लेते हैं भाई कितना होगा। अगर यहाँ पर देखते हैं 400 रुपये है, 2 चौक 800 का अगर मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ 10%, तो भाई 800 2, क्योंकि भाई 2 धाम 20, 400 का 20% वही तो निकालना है, तो कितना हो जाएगा 80। यहाँ पर देखते हैं तो 10% चेक कर रहे हैं तो 10 चौक 40। अब भाई 550 का 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 220। अब 6 धाम 60, 60%, 1200 का 60% कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 छिक 72, 720 रुपये। अब इनको जोड़ लो, अगर ये 1020 दे दे तो आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300। और हाँ भाई हो गया 1020, तो यही इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो वैसे जाने से बेटर है, मैं तो कहूँगा आप इसको ऑप्शन से करो तो ज़्यादा आसान लगे, ठीक है। तो चलो अगर वैसे करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, कुछ मत करना। आप आर परसेंट मान लेना 400 का, यानी 2 चौक 800 का आर परसेंट, फिर 4 से इसको गुणा करना उसका आर परसेंट, फिर 6 को इससे गुणा करना उसका आर परसेंट, और बराबर में 1020 रख देना, वहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपये थे, उसने इसमें से कुछ धनराशि 4% और शेष 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दी। यदि एक वर्ष के अंत में उसे कुल 700 रुपये का ब्याज मिला तो 4% उधार दी गई राशि क्या है। CGL का है 2005 का, चलो देख लेते हैं। देखो एलिगेशन से भी कर सकते हैं, बट एलिगेशन से मेरे को ज़्यादा बेनिफिट लग गया क्योंकि कैलकुलेटिव हो जाएगा। वैसे करके देख लेते हैं कि भाई 16,000 रुपये हैं, 16,000 रुपये दो भागों में दिया गया है, एक 4% पर और एक को 5% पर, इसको दो टुकड़े किए गए हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि इस पे जो दिया गया है x प्रतिशत, जो 4% पर दिया गया है वो x रुपये है, 16,000 का x रुपये है, यानी 16,000 में से जो पार्ट निकला है वो x है। तो 5% में कितना होगा, 16,000 - x होगा भाई, होगा, ठीक है। अब इन दोनों पे जो मुझे ब्याज प्राप्त हुआ है वो कितना है, 700 रुपये है, वो ब्याज कितना है 700 रुपये है। टाइम तो दे नहीं रहेगा, तो टाइम अच्छा वार्षिक दर है, एक साल की बात करें, एक वर्ष के अंत में, तो चलो देख लेते हैं। तो भाई x का 4% कितना हो जाएगा, 4x/100 प्लस में 16,000 - x का 5%, 16,000 - x का 5%, तो कितना आ जाएगा 5/100, ठीक है, बराबर में। अब इन दोनों का ब्याज ही तो कितना दे रखा है, 700 रुपये दे रखा है, तो बस कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन होगा इजीली, क्योंकि कैलकुलेटिव है नहीं यहाँ पर, तो 100 डायरेक्टली कॉमन, दोनों में 100-100 है तो एलसीएम 100 ही आएगा, 100 ऊपर उधर चला जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 4x प्लस में 16×5=80,000, ठीक है, यहाँ पर 80,000 हो गया, और माइनस का 5x, और ये देखो यहाँ पर 100 एलसीएम था, डायरेक्टली 100 उधर जाके 2 जीरोज के साथ लग जाएगा, तो ये 70,000 हो जाएगा, ठीक है। और 4x यानी 4x में से माइनस 5x या तो माइनस का x बचा, ये इधर जाके 70,000 में से 80,000 घटाएंगे तो माइनस का 10,000 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000 आ गई। तो यहाँ पर यही पूछा गया था कि 4% पे जो राशि दी गई थी वो कितनी थी, मैंने x माना था तो x की वैल्यू 10,000 हो गया, तो 10,000 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक व्यक्ति 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है, वह तत्काल किसी दूसरे व्यक्ति को 6.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है, इस सौदे में उसका लाभ कितना है? SSCGL 2005 का ये भी क्वेश्चन है। तो चलो देखो क्या कह रहे हैं कि 5,000 रुपये कोई व्यक्ति ले रहा है किसी से और यही 5,000 रुपये लेने के बाद आगे किसी को दे दे रहा है और इस सौदे में इस व्यक्ति को कितना फ़ायदा होगा यही पूछा गया है 2 साल के अंत में। तो अगर मैं देखता हूँ कि भाई इससे कितना ले रहा है, ये 4% पे, इस पे जो लिया है 5,000 रुपये 4% कहकर लिया है कि मैं 4% पर एनम आपको ब्याज दूंगा, ठीक है, और सामने वाले को जिसको इसने 5,000 रुपये दिया है उसको कहा है कि मैं तुमसे भाई 6.4% ब्याज पर एनम लूंगा, तो इस कुल सौदे में उसको कितने का फ़ायदा होगा यार, परसेंटेज में ही देख लो ना। 2 साल की बात करें, अगर 2 साल की बात करें तो यहाँ पर 1 साल का वो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर वो कितना लेगा 2 साल बाद, तो 1 साल का 6.4% 2 साल कितना हो जाएगा आपका 2×6 = 12 और ये 12.5%, यानी 12.5% तो ब्याज यहाँ लेगा, यहाँ कितना देगा 2×8% देगा, तो इस पूरे सौदे में उसको कितने का फ़ायदा हो जाएगा, तो इसमें से घटाया तो 4.5% का फ़ायदा होगा। तो बस बता दो कि भाई 5,000 का 4.5% कितना होगा, तो 5,000 का 4.5% अगर मैं 4% देखता हूँ तो 1% 50 हो जाएगा, 4% 200 और 0.5% कितना हो जाएगा आपका 1/50 तो 25, यानी आधा हो जाएगा 25, 225 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, उसको कुल इस सौदे में 225 रुपये का फ़ायदा होगा, ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने समय में 72 रुपये 6.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएंगे? तो देखो भाई वही वाला क्वेश्चन हो गया जो मैंने आपको बताया था, परसेंटेज में देख लो इजली निकल जाएगा, 72 रुपये है वो हो जा रहा है 81 रुपये और 6.4% की दर पे समय पूछा है आपसे, समय पूछा है तो बस कुछ नहीं वही सेम काम करो, ब्याज देखो 9 रुपये है, 9 रुपये परसेंटेज में देख लो कितना है वो, तो 9/72 कितना प्रतिशत है, तो निकाल लो भाई 9/72 का कितना प्रतिशत है, तो 9×8 = 72, 1/8 होता है आपका 12.5%, ठीक है, यानी 12.5% जो है उसका ब्याज है, तो 12.5%, अब यहाँ पर कितना है 6.25%, तो मैंने बताया था जो परसेंटेज में ब्याज क्या होता है, रेट इंटू में टाइम ही तो होता है, तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, टाइम निकाल सकते हो आप, तो देखो इसका दिख रहा है साफ साफ दुगना है, तो 2 से गुणा करें टाइम कितना आ जाएगा आपका 2 ईयर, तो 2 ईयर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7,300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिन सम्मिलित का साधारण ब्याज कितना होगा? तो देखो भाई डेज में निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि जो है डेज में ही आपको बताना पड़ेगा, महीने में कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा, महीने क्योंकि यहाँ पर मई में आपका 11 मई से शुरू हो रहा है तो कंप्लीट मंथ तो है नहीं इसमें, तो डेज में देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं हम देखते हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, कितने दिन बैठ रहे हैं, मई में कह रहा है कि 11 मई से लेकर आपका मई में कितने दिन हो गए भाई, मई जो है 31 का महीना होता है, तो आपका हो जाएगा 11वां दिन भी लेना है तो 11 से लेकर 31 यानी आपका हो जाएगा 21 दिन मई में हो जाएगा, जून हो जाएगा आपका 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30 नहीं क्योंकि 10 सितंबर तक कह रखा है आपको, तो 10 दिन इसका होगा, ठीक है, अगर इन सबको जोड़ते हैं तो 123 यानी 123 दिन आपके बन रहे हैं, 123 डेज का आपको ब्याज बताना है कितना होगा, ठीक है। तो देखो 7,300 रुपये हैं, आपका प्रिंसिपल आपको बता दिया था कि भाई 7,300 रुपये प्रिंसिपल है, रेट सालाना बता रखा है 5%, सालाना कितना है 5% है, यानी अगर देखा जाए 3
सालाना मतलब 12 महीने और डेज में देखो तो 300। अब देखो जो आपका ये 1987 है लीप ईयर है या विदाउट लीप ईयर है कि लीप ईयर नहीं है, अगर हम देखें तो 1987 लीप ईयर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, 365 डेज होगा। तो यानी भाई 365 डेज का जो रेट परसेंट है वो कितना है भाई, 5% दे रखा है सालाना, 5% यानी 365 डेज तो होता है, तो 365 डेज का हो गया 5%। आपको कितने दिन का बताना है, 123 डेज का, यानी वन डे का कितना हो जाएगा, वन डे का हो जाएगा 5/365। आपको तो बताना है वन डे का इतना है, हमें तो क्या करना है 123 डेज का बताना है, तो 123 डेज का कितना हो जाएगा भाई, 123 डेज का हो जाएगा 5/365 गुना में 123। ठीक है, काट लें इसको तो काट लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 5 × 7 = 35, 5 × 15 = 73, 123/73। ठीक है, 123/73% हमको बताना है, वही हमारा आंसर होगा क्योंकि वही तो ब्याज होगा हमारा, तो 7300 का बता दो भाई, अगर हम 7300 का कितना 123/73% प्रतिशत के लिए 2 जीरो आएगा क्योंकि प्रतिशत बताना है ना हमें, तो 7300 से 7300 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 123 रुपये, यानी 123 रुपये आपको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया, 3 वर्ष के पश्चात उसने 5400 रुपये उस समय अवधि के लिए ब्याज के रूप में लौटाए, तो ऋण स्वरूप ली गई मूल धनराशि क्या थी। तो भाई ये देखो 2004 CGL का ही क्वेश्चन है, फिर से परसेंटेज की नज़र से ही देखेंगे, अभी तक हमें सारे क्वेश्चन परसेंटेज की नज़र से देखा और इसे भी उसी नज़र से देखते हैं कि भाई 12% ब्याज हर साल का देना है और 3 वर्ष तक देना है, तो अगर हम सिर्फ ब्याज ब्याज की बात करें तो कितना हो जाएगा 12% एक साल का, तो 3 साल का 36% 36% तो ब्याज ब्याज हो गया। ठीक है, तो आपको ब्याज ही 5400 रुपये दे रखा है, अच्छा 3 वर्ष के पश्चात उसने 5400 रुपये ब्याज दिया, तो यानी 36% की वैल्यू ही तो आपको दे रखा है भाई, आपके हिसाब से 36% ब्याज बन रहा है लेकिन आपको कह रहा है कि 5400 रुपये ब्याज आपने लुटाया, यानी 36% की वैल्यू ही 5400 है, और मैंने बताया था आपको कि भाई 100% प्रिंसिपल होता है, तो 100% की वैल्यू बता दो, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5400/36 गुना में 100। ठीक है, तो काट लेते हैं, 18 से काटता हूँ, 18 × 3 = 54 = 20, 18 × 36 इसको काटते हैं तो हो जाएगा 150, यानी 15000 इसका आंसर आ जाएगा, यानी जो प्रिंसिपल होगा वो 15000 रुपये होगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सारे ही बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से पेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करो कि कैसे परसेंटेज में ही डील गुणा भाग थोड़ा सा कैलकुलेशन का प्रैक्टिस की जाए तो इन सारे क्वेश्चन को वर्बली सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ने बी को 2500 रुपये तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। देखो 2003 CGL, तो ए ने बी को कितना दिया है, 2500 रुपये दिया है, 2500 रुपये दिया है, और ए ने ही सी को भी दिया है लेकिन वो रकम नहीं बताई गई है कितना दिया गया है। ठीक है, और दोनों को लेकिन 7% पे ही ब्याज, 7% पर एनम जो है SI पर ही दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट पे ही दिया गया है, और 4 वर्ष के बाद ए और बी से मिलाकर टोटल ब्याज जो टोटल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है टोटल, वो 4 वर्ष के बाद कितना है, 1120 रुपये है, 4 वर्ष के बाद 1120 रुपये है, तो सी को उधार दी गई राशि बतानी है क्या होगा। तो क्या करेंगे, देखो पहले तो हम सिंपली ब्याज देख लेते हैं, या तो 1 ईयर पे देख लो या 4 साल पे देखना, 4 साल से निकालना तो भी आंसर आपका आ ही जाएगा, मैं तो 1 ईयर पे देखूंगा क्योंकि 1 ईयर पे इजीली पड़ेगा कि भाई 4 साल का दोनों का मिलाकर ब्याज कितना है, 1120,
तो 4 साल का, 4 ईयर की बात की जाए तो 1120 है, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा भाई, काट लो इसको, तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 4 × 8 = 32 और 0, यानी 280 रुपये बी और सी दोनों ने मिलकर ब्याज जो दिया है ए को, वो कितना दिया है 280, बी प्लस सी दोनों ने मिलकर जो ब्याज दिया है वो कितना दिया है 280 रुपये ब्याज दिया है, दोनों ने मिलकर 280 रुपये ब्याज दिया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो बी का तो हम ब्याज बता सकते हैं ना कि बी ने कितना दिया है, क्योंकि भाई रेट परसेंट भी दे रखा और प्रिंसिपल भी बता रखा बी को कितना दिया था। तो भाई 2500 का 7% 1 साल का ब्याज होगा, तो 2500 का 7% 1% हो जाएगा आपका 25, 7 × 25 = 75, यानी आप 25 × 75 = 175, यानी 175 रुपये बी दे रहा है। तो ये 280 जो है ना, इसमें बी का हिस्सा कितना है 175, तो बाकी जो बच गया उसी का हिस्सा होगा, यानी सी ने ब्याज दिया होगा, तो निकाल लेते हैं 175 इसमें से अगर हम लेस कर दें तो भाई कितना आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 105, 105 आ जाएगा, ठीक है। यानी 105 रुपये जो दे रहा है ये ब्याज सी दे रहा है, कौन दे रहा है, सी दे रहा है, ठीक है। और सी का रेट परसेंट हमें पता है कि भाई 7%, यानी सी ने जो रकम दिया, सी को जो रकम दिया गया था उसका 7% ही तो 105 है, तो डायरेक्टली परसेंटेज से देख लेते हैं, यानी 7% की वैल्यू ही 105 है भाई, 7% की वैल्यू ही तो 105 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है इसका प्रिंसिपल कि इसने कितना पैसा लिया था, तो 100% की वैल्यू बता दो, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई 105 बट्टे में 7 × 100, तो कितना आ जाएगा, 7 से काट लो तो कितना आ जाएगा, 7 × 7 = 7, 7 × 5 = 35, तो यानी 1500 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि सी ने जो पैसा लिया था वो 1500 रुपये लिया था, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे, और कोई क्वेश्चन आई थिंक छोटा तो नहीं है, देख लेते हैं। हो गया, तो बस यही क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चन आज हमने देखे हैं, कुछ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना, आराम आराम से देखना, समझ में आएगा। देखो इग्नोर मत करना इन क्वेश्चंस को, क्योंकि आने वाले जो आपका एग्जाम है सीजीएल, आपका जो SSC HSL है, जिन बच्चों का रह गया है उनको तो फायदा होगा ही होगा, बाकी जो एग्जाम्स आने वाले हैं उनमें ये क्वेश्चन मिलेंगे। ये मत सोचना कि सीजीएल के क्वेश्चन है तो CHSL में आएंगे, क्योंकि सीजीएल CHSL SSC के सारे एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस के पैटर्न होते हैं लगभग सेम ही होते हैं, कोई अलग नहीं होता कि कभी सीजीएल का क्वेश्चन CHSL में पूछा है, CHSL का डाटा एंट्री में इधर उधर करके पूछा जाता है, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करनी है, ठीक है। तो समझ में आया होगा उम्मीद कर रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया है फिर भी कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट हुआ हो तो आप कमेंट में करके नीचे बता देना कि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट हुआ है, नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा उसमें करेक्ट कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, और भाई लॉकडाउन में ही रहना, बाहर निकलने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब तक जो है सरकार की तरफ से आदेश ना हो कि आप लोग अब सुरक्षित हो, आप लोग निकल सकते हो, तब तक निकलना जो है खतरे से खाली नहीं है। तो खुद भी सुरक्षित रहें और जो है अपने परिवार को और अपने समाज को और इस देश को सुरक्षित रखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपने कमेंट बॉक्स नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। और अगर वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो को, ताकि हमें थोड़ा सा उत्साह मिलता है इस बात से कि लोगों को पसंद आ रहा है, और हम और वीडियो अच्छी अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपका साथ रहा तो मैं कोशिश करूँगा CGL और CHSL के पेपर जो हुए हैं उन्हें भी पूरा सॉल्व करवाऊँ, ठीक है। बस आप लोगों की साथ की ज़रूरत है, आप लोग साथ दें और बने रहें। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।